दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोग के लिए आज 6 बोल्ट स्पीडर लेके आ गए। इसमें यही शिकायत था, माल आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। जहाँ सरसों गिरता सब तेल वहीं लपेटता था, सब तेल वहाँ लपेट ले रहा था। उसी का शिकायत है, वही मशीन खुलवा दिए हैं और कस्टमर खुद मशीन खोला है। अब कस्टमर को बताएंगे। एक कस्टमर बिहार के रहने वाला है, बिहार पटना का रहने वाला है। अब इसको हम वीडियो कॉलिंग पे इसको बताएंगे और ये बनाएगा। वीडियो कॉलिंग पे इसको समझाएंगे और ये वीडियो कॉलिंग पे खुद कोल्हू बनाएगा अपने हाथ से। हम इनको सिर्फ बताएंगे इसमें फॉल्ट क्या है। आप लोग चैम्बर देख ही सकते हैं, पूरा चैम्बर एकदम भरा गया है। चैम्बर इनका ख़त्म हो चुका है, चैम्बर इनका ख़त्म हो चुका है। बाकी चैम्बर बनाने का तरीका इनको हम बताएँगे। वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो फुल देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं चैम्बर के नीचे पत्ती रखा गया है। आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं चैम्बर के नीचे पत्ती रखा गया है। और इनकी शिकायत यही था, देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ सब तेल घूम रहा था, सब तेल यहाँ घूम रहा था। तो इसके वजह से मशीन खुलवा दिए हैं। अब इसको हम बनाएंगे और इनको बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना तेल घोल रहा है, इसी में सब तेल लपेट रहा है। इसी की वजह से चैम्बर हमने खुलवा दिया, चैम्बर के नीचे पत्ती लगवा दिया है। और अब इसको बनाने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। देख सकते हैं अब ये बना चुके हैं। और बनाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया चलेगा। अब आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं तेल का गिराव गाव। चैम्बर ख़त्म हो जाने के बाद भी इसको हम जुगाड़ से चला दिए हैं। जुगाड़ से चल रहा है, बाकी ढेर दिन तक नहीं चल पाएगा। इसके लिए इस चैम्बर बनवाना ज़रूरी है। तेल थोड़ा मोटा आ रहा है, तेल मोटा आ रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसके लिए इसका चैम्बर का सेटिंग बढ़िया करवाना पड़ेगा, चैम्बर बनवाना पड़ेगा, तभी मशीन बढ़िया चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में।